और वो सामने लड़की रोने लग गई, देख लो हजारों के नहीं आ रहा संतोष, बोल ही नहीं कर रहा संतोष को तो डर लग रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप क्या बच्चे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे, खुश रहा करो यार। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। अभी बज रहे सुबह के 7, अभी जा गई है बस, बस अभी मतलब नंबर के लिए खड़े बाथरूम के बाहर बाथरूम रूम में इंतजार कर रहे कि निकले कोई निकले। और ये शर्ट है ना 3 साल पुरानी है मेरी। अच्छा तो आज निकाली है बहुत दिनों के बाद। और अरे क्या हाल है, मैंने होया फ्रेश। संतोष निकल यार। One hour later. तो सभी कामों से फ्री है और अभी जाएंगे हम काम पे। संतोष तो निकल रहा है और सोन भाई साहब भी निकल रहे तैयार होके, और शाम को जाएंगे मेले देखने। तो ब्लॉग पूरा देखना ये। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो रूम पे से भी निकल गए, मैं और संतोष आगे आगे जा रहा है, लेकिन वो अलग जाएगा, मैं अलग जाऊंगा काम पे। साथ में निकले निकलने को। तो यही नहीं, अभी और सुनिए, कंडिया को टांग के चल दिया संतोष काम के लिए। गजब बेइज्जती है यार। हम मेन रोड पे तो पहुंच चुके हैं और तो बस आ जाए जल्दी से, और लेट हो रहे हैं। A few moments later. संतोष तो उतरेगा यहीं पे। One minute 37 seconds late. तो बस में से उतर के सबसे पहले पीने चाय। अभी चाय पी के फिर अभी चलते हैं, वो भाई इंतजार कर रहे हैं यार। अभी हम इंतजार कर रहे हैं, वो भाई ऑटो लेने गया है। तो पहुंच गए भाई साहब। टोटल आते हैं 5 आदमी। और कल काम क्या किया था वो बता देता हूँ। देखो, एक तो ये रूम फिट किया था कल, और ये हॉल में इतना काम किया है, इधर का बाकी। अभी तो अभी करते हैं कपड़े चेंज। तो काम करने वाले लुक में आ गए हम, अभी काम करते हैं स्टार्ट। ये पहला पत्थर लगा रहे हैं अभी हम। अभी 2 पत्थर लगे हैं और इधर लगाना है अभी। खाना खाते हैं, ना खाने का टाइम है यार। अभी चावल खाएं और थोड़ा आराम कर रहे हैं, फिर से करने लग जाएंगे काम। One hour later. तो भाई साहब ये टाइम हो गया, सब अच्छा है और दिमाग खराब है बिल्कुल, बहुत लेट हो गए। और मेला देखने जाना है आज, तो अभी चलते हैं। बैग टांग लिया, हाथ पैर धो लिए, सब काम हो लिए, तो अभी चलते हैं। मेन रोड पर खड़े हुए हैं सब, ऑटो का इंतजार कर रहे हैं। और जो ये रास्ता है ना, ये जा रहा है डायरेक्ट समुंदर के लिए, यहाँ से दिख रहा है ना वो। और इन्होंने 2 लाइन खड़े कर रखे हैं, खाना जाए मुंह खोल के खड़े हुए हैं। अच्छा, तो अभी ऑटो में से उतर कर डायरेक्ट जा रहा हूँ मैं मेन रोड के लिए, बहुत लेट हो गया हूँ। संतोष बार बार फोन कर रहा है, मेला देखने चलेंगे, जल्दी आ जा। मेन रोड पे तो पहुंच गया हूँ, बस मिल जाए जल्दी से। A few moments later. तो अभी पहुंच तो चुका हूँ मैं सामने रूम में। आ जाओ भाई साहब, मेरा देखने चलेंगे। हे राम राम। तो यार अभी पहुंच चुका हूँ रूम पे, और यार बहुत लेट हो गए, तभी नहाते हैं और फिर जाते हैं। तूने अभी मेरे पीछे पीछे आया अभी काम पे से, ये पहले आ गए, इनकी मौज है। नहा धो के रेडी है बिल्कुल, और अभी चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं मेला। ओके तुम्ही मेला देखो, चले मेला। हाँ। और कटरी तू चलेगा? हाँ। चलो तो फिर। हाँ। तुम्हारी मम्मी पे 100 रुपया लिया, मेला घूमे जा, 10 रुपया नहीं लाएंगे तो घूमेंगे कैसे। तो अभी मेन रोड पर भी पहुंच गए, तो उसने तो रोड क्रॉस कर लिया, हमें करना रोड क्रॉस। तो केनाटी तक ऑटो से जा रहे हैं, वहां से बस में बैठेंगे, और इस जगह का नाम केनाटी है, यहां से जाना बस से। अभी बैठ गए हम बस में।
1 minute 37 seconds late. अभी हम पहुंच गए हैं उर्का ट्री। जगह तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम ढूंढ लेंगे कहाँ पे है। पहले तो कुछ खा के चलेंगे, भूख लग रही है। देखो भीड़ भाड़ बहुत है मेले के चक्कर में, और सामने होटल है वहाँ पे खाएंगे। उधर में खाना कैंसिल हो गया, अभी आगे देखेंगे होटल। इधर भीड़ बहुत है उस होटल में। तो बलजीत पीछे पीछे आ रहा है। तो अभी हम होटल में खाना खा रहे हैं, चारों बैठे, सामने बलजीत और संतोष, इधर हम। और सभी ने पचकरी मंगाई है, मूंग दाल और चना की सब्जी। बलजीत के साथ नाइंसाफी कर दी, छोटा गिलास सबसे बलजीत को दिया है, और ये चने की सब्जी खा रहे हैं, मैं मूंग दाल। ने परोठा के साथ चाय मंगाई है, तो बलजीत को अलग कर दिया हमने, चाय वाला अलग, हम अलग। गजब बेइज्जती है। खाना खा पी के निकल गए होटल से, और अभी आपको दिखाता हूँ मेले की भीड़। रेलगाड़ी वाला बच्चों वाला सिस्टम है, इसमें नहीं झूलेंगे हम। ये नाव है देख लो, और अभी हम बहुत आगे आ गए, उधर मौत का कुआं है वो वाला। अभी नंबर है नाव में झूलने का। टिकट ले लिए चार, और अभी चलते हैं झूलने के लिए नाव में। कम से कम आधा घंटा हो गया इंतजार करते करते, लेकिन नंबर नहीं आ रहा अभी। तो भाई साहब हम सबसे लास्ट में बैठ रहे हैं नाव पर। बलजीत का नंबर है, आप देख लो स्टार्ट हो रहा धीरे धीरे। अरे आ गए भाई साहब। और वो सामने लड़की रोने लग गई देख लो। अभी जा रहे हैं हम चक्री में घूमने के लिए। फिलहाल तो चक्री में नहीं घूम रहे, इसमें जा रहे ब्रेक वाले में, तो उसमें बहुत भयंकर भीड़ है। अभी इसमें झूलेंगे पहले, बाद में देखेंगे और कहीं पे। इसमें झूलेंगे, अभी एक टिकट ले लिया है। अभी खाली हो गया है, हमारा नंबर है अब। मैं और संतोष रेडी है झूलने के लिए बिल्कुल। जी तो बिना उधर बैठे हुए हैं दोनों। ये भाई अभी ये बोल रहे थे कि तुमने टिकट क्यों लिया, तुम तो हिंदी वाले हो। ये भी हिंदी वाले हैं। हमने भी बोल दिया कि दो मिनट ज्यादा धुला देना। अब स्टार्ट हो गया यार। कौन ही छूटिया है दे रहा पकड़ रखा है, क्योंकि झटके बहुत भयंकर लग रहे हैं। जी तो मेरे को देखो पबजी खेल रहा है मैंने तो। मजा तो आ रहा भाई साहब, बहुत भयंकर, बहुत कूल। अब खत्म होने वाला है ये बस। वाह क्या सीन है। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा संतोष? बोल ही नहीं करो संतोष को तो डर लग रहा है। बलजीत आए तो कर दे एक बार। इसमें तो इतना मजा नहीं आया यार। अभी नंबर है चक्री का। सबसे ज्यादा भीड़ है इस टिकट काउंटर पे।
बाद टिकट मिल जाए फिर चक्री में घूमेंगे। और मेरा गला बैठ गया, पता नहीं नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो यार चक्री में तो नंबर नहीं आया, तो फिर ब्रेक चक्री में घूमने जा रहे हैं अभी। तो यार हम फिर से आ गए हैं, और पहले वाले में तो मजा आया था, लेकिन कब आया था, तो फिर से आ गए घूमने के लिए। तो यार चक्री में तो टिकट लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इतनी भयंकर भीड़ है उधर। तो पसीने आ गए इंतजार करते करते, लेकिन टिकट नहीं मिला, और ये स्टार्ट हो गया अभी। तो भाई साहब हो गया स्टार्ट झूलना अभी। ये बहुत फास्ट है भाई साहब, तेरी कसम से दिमाग खराब कर दिया। भाई साहब जो झटका होता है तेरी का सब। बहुत भयंकर है, पैसा वसूल है इसमें तो। रोक दिया ना तो यार, बड़ी जल्दी खत्म हो गया। गैंग बहुत भयंकर है देख लो। अभी जाएंगे हम रेहटक में झूलने के लिए। ये है रेहटक, मेले में आए तो अच्छे से घूमेंगे, सभी के मजे लेंगे। झूलने का तो खत्म है मामला यहाँ से। अभी जाएंगे हम, मतलब कोई आइटम वगैरह होगा तो खरीदने के लिए, या कुछ ना कुछ दिखाएंगे आपको और चीज। अच्छा यार आवाज की प्रॉब्लम होगी मुझे पता है, इसलिए मैं बहुत जोर से चल रहा हूँ तो गला बैठ गया। तो अभी कर रहे हैं हम रेहटक की सवारी, देखते हैं इसमें कैसा मजा आता है। पैसे बर्बाद है इसमें, पैसे बर्बाद, कुछ नहीं है लेना देना। लग रहा है कि लोकल ट्रेन चल रही हो कोई। अभी यार कुछ खा पी लेते हैं, भूख लगने लग गई थोड़ी थोड़ी। तो पिस्ता वाला फ्लेवर लिया है कुल्फी में। अभी मेरी बारी है, देखो बर्फ में से धुआं निकल रही है। भाई साहब बिल्कुल लूट मचा रखी है, हम तो 10-20 की जान लेते हैं, इसको 50 रुपए काट लिए एक आइसक्रीम के। तो बल्दी तो खा ही नहीं रहा पता नहीं क्यों। अभी हम लेंगे लॉकेट, क्योंकि रील्स बनाने के लिए चाहिए यार इंस्टाग्राम पे। अभी देख लो लुक मेरा, शॉपिंग किए ये अंगूठी और गले की कछुए वाली इधर में। और बलजीत भी लेके आया है लेकिन चोर के। गजब बेइज्जती है। कैसे लग रहे हैं ये भी बता देना कमेंट करके, ले रहा नहीं हूँ मैं, देख रहा हूँ बाल। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब। ये भी अच्छा नहीं लग रहा, ये आइटम खरीदे देख लो। तो अभी टाइम हो गया है रात के 11 बजे, और अभी जा रहे हैं हम रूम के लिए डायरेक्ट। यदि बस मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ऑटो करना पड़ेगा। के संतोष टॉर्च को चेक कर दिया देख लो। अभी हम ऑटो में बैठ गए, क्योंकि बस तो आएगी नहीं अब 11 बज गए रात के। तो अभी हम ऑटो से नादा रोड स्टेशन आए, क्योंकि उधर होके आते ना दूसरी साइड की टी बाजार के लिए, तो ज्यादा रुपए लेता है, यहाँ से लिए उसने 130 रुपए लिए। और अभी पैदल पैदल चल रहे, 10 मिनट का रास्ता है, अभी पहुंच जाएंगे। और ये भाई रात में प्रैक्टिस कर रहा है 11 बजे। मेसी या रोनाल्डो का फैन होगा ये पक्का। और अभी मैं और संतोष रह गए पीछे, और वो आगे निकल गए बहुत। तो अभी हम भी चलते हैं भाग के। तो यार रूम पे पहुंच गए,
और मेला कैसा लगा ये भी बता देना। और यार चक्री में सच में इतनी भीड़ थी, तीन चक्री थी वहाँ पे, तीनों में बहुत भीड़ थी। तो अगली बार जाएंगे संडे को शायद, तब बताएंगे अच्छे से। और सोम भाई साहब भी जाग रहे हैं, 11:15 टाइम हो गया है। यदि ब्लॉग पसंद आए हो लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, मेला कैसा लगा, सबसे बड़ी बात ये। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक नए और तड़कते भड़कते ब्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट। टेम्पू लाए भाई साहब करके नादा रोड तक, नादा रोड स्टेशन तक।